जय माता दी। माँ के प्यारे भक्तों, मैया रानी की अपार कृपा से इन पावन नवरात्रों में मैं संगीतमयी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहा हूँ। आशा है आप सभी माँ भगवती के इस पाठ को सुनकर माँ की कृपा को प्राप्त करेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का प्रथम अध्याय, जय माता दी। हम मधु के टब वध की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जग जननी माँ अम्बे जी को सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सोच विचार मार्कंडे जी मन ही मन मुस्काए, बोले सूर्य पुत्र सवर्णी आठवें मनु कहलाए। स्वरों चिश मनु अंतर में एक राजा रहते थे, चैत्र वंश में जन्मे जिनको सुरथ कहते थे। राज्य था उनका सारी धरा और प्रजा प्रसन्न रहती। बने कोला विध्वंसी दुश्मन जो गाथा कहती। युद्ध हुआ राजा का उनसे हार गए संग्राम, लौट चले फिर अपने महल को करने को विश्राम। गया राज्य फिर धोखे से ऋषिवर बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नष्ट हुआ प्रभुत्व सुरत का त्याग राज्य मन आए, पहुँच गए ऋषि मेधा कुटिया मुनि को शीश नवाए। भूप को चिंता राज काज की पल पल बहुत सताए, छूट गया वही आज राज पर अपने प्राण बचाए। वो दुराचारी मेरी प्रजा को कैसे रखता होगा, दुष्टों के सारे दुख प्यारा गज सहता होगा। वो शत्रु सभी मेरे राज को कर देंगे खाली, सुख का काल वो बीत गया छाई छाया है काली। देख के राजा वैश्य को उसके पास जो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा पास में जाकर क्यों चिंता छाई, मौन हो क्या कारण है, दुख का क्या विपदा आई। भूप वचन सुनी वैश्य है बोला क्या बोलू राजन, त्याग मुझे मेरे घर वालों ने लिया मेरा धन। इस दुख के कारण मन आया चिंता रही सताए, कैसे होए पुत्र बंधु सब मोह माया तन खाए। बोल
बोले राजन छोड़ो तुम ये मोह माया सारी, त्यागो प्रेम ये अपने मन का ये दुनियादारी। सुरत समाधि मुनि सेवा में समय बिताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा मुनि मेधा से सुनो विनय भगवन, चित्त नहीं आधीन है मेरे रहता व्याकुल मन, राज्य में अपना हार गया इतिहास ये कहता है, ज्ञात है मुझको भली भांति फिर दुख क्यों होता है। ये वैश्य भी अपमानित हो छोड़ घर को आया है, कैसे होंगे पुत्र बंधु दुख मुख पर छाया है, हम दोनों ही बड़े दुखी हैं मन में अति पीड़ा, हम दोनों ना ज्ञानी हैं अज्ञान की है क्रीड़ा। सुन वाणी राजा की मुनिवर ये समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनि हे राजन अब तुम प्रिय वचन सुन लो, त्यागो ये मोह माया सारी मोक्ष मार्ग चुन लो, ज्ञानी भी अज्ञानी होता मोह माया के कारण, लोभ वासना मन अंदर ना देवे भवतारण, यही चक्र है जन्म मरण का जो अम्बे करती, सृष्टि की करता धरता माँ संहार भी है करती, देवों की है ये देवी सब देव है शीश नवाए, मोह माया में धन के लोभी माँ को न समझ पाए। माँ शक्ति जगदम्बा का ऋषि मान बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजन कौन है देवी मुझको बतलाओ, क्या शक्ति है आदि शक्ति की मुझको समझाओ। बोले मुनिवर हे राजन माँ आदि शक्ति अवतार, उन्हीं की कृपा से ये मंजर और सारा संसार, उन्हीं में ये ब्रह्मांड है सारा, उन्हीं से प्रभु भगवान, उन्हीं से है ये नेत्र रोशनी ज्ञान और अज्ञान, कार्य सिद्धि करने देवों का माँ प्रकट होती है, तभी लोक में हुई उत्पन्न माता कहलाती है। मधु कैटब ये कैसे जन्मे तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
शेष नाग की शैया पर हर निद्रा लीन हुए। उनके कान के मैल से मधु कैटब उत्पन्न हुए। कमल पुष्प पर विराजमान जब ब्रह्मा को देखा, ब्रह्मा को खा जाने दौड़े क्या विद क्या लेखा। अपने पास में आता देख ब्रह्मा जी ते घबराए, हरि को जगाने महामाया की शरण में है आए। हे योग निद्रा महामाया, हे आदि शक्ति महान, हे विश्वेश्वर ज्ञान मान की मात गुणों की खान। मात निद्रा की विनती कर ब्रह्मा जी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करी ब्रह्मा जी बोले सुनो माता अवतारी, सुधा स्वहा स्वर रूप अनेका माता वष्टकारी। तुम्ही हो संध्या सावित्री, हो परम मात रूपा, संघार रूप में सृष्टि दृष्टि विशेष शक्ति रूपा। महामाया महाविद्या तुम हो मेधा मोह माया, ब्रह्मांड है ये सारा माँ तुमसे जो तुमने धाया। शंख गदा धनुष चक्र मत तेरे कर जो सोहे हैं, काली शारदा रूप लक्ष्मी माँ मन मेरा मोहे हैं। शांति क्रोध विष अमृत तुम हो वेद बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अनंत हो जगदम्बा तुम अनंत तेरी माया, देव देवियां भी ना जाने माँ तेरी माया। तेरी विनती करने की माँ शक्ति नहीं मुझ में, जगा दो माँ निद्रा विष्णु को कृपा भाव तुझ में। बोले ऋषि हे राजन माँ हुई तमोगुणी प्रसन्न, योग निद्रा से मुक्त हो विष्णु हुए होश संपन्न। ब्रह्मा जी ने जगत के स्वामी को सब हाल सुनाया, मधु कैटब अति बलशाली प्रभु मुझ पर क्रोध दिखाया। श्री हरि मधु कैटब को देख मन में मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पांच हजार वर्ष चला हरि और असुरों का संग्राम, देवी मोह के कारण मांगो बोले कोई वरदान। बोले विष्णु वर देना है तो तन का दान करो, मेरी दोनों जंघाओं पर अपना शीश धरो। बोले ऋषि वर विष्णु ने फिर चक्र से वार किया, आदि शक्ति के कारण मधु कैटब का नाश हुआ।
मुनेंद्र प्रेम जी आदि शक्ति से विनती करते हैं। कटे कष्ट जो सुने ये स्तुति आशा करते हैं। महामाया के गुणों को संजय गा के सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय माता दी। आज मैं श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में किस तरह से माँ भगवती का देवों के तेज से प्रकाट्य हुआ और किस तरह महिषासुर की सेना का माँ शक्ति ने किस तरह से सर्वनाश किया बताने जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं और माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगाते हैं। महिषासुर मर्दिनी के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे किया वध महिषासुर सेना का बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जगजननी माँ अम्बे जी को सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अद्भुत आभूषण मातन पर गदा चक्र धारे, सारा सुर मंडल है नवता माँ सबको प्यारे। पूर्व काल में सुर असुरों में घोर हुआ संग्राम, जीत गए असुरों के नायक बुरा हुआ अंजाम। सभी देवता ब्रह्मा जी संग जेश के पास आए, हाथ जोड़ शंकर विष्णु को अपने हाल सुनाए। कोई युक्ति ढूंढो उस असुर को समझा दो, महिषासुर से स्वर्ग इंद्र का प्रभुज दिलवा दो। सुन देवों के वचन प्रभु जी क्रोध में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवताओं के मुख पर तेज हुआ उत्पन्न, प्रकटे देवी उसी तेज फिर देव हुए प्रसन्न। शिव शंकर के तेज से माँ का मुख उत्पन्न हुआ, किसी से केश जंघा पिंडी का निर्माण हुआ। कुबेर तेज से बनी नासिका प्रजापति से दांत, ब्रह्मा जी से बने चरण और विष्णु से कई हाथ। अन्य देवों के तेज से मिलकर बने कई फिर अंग, दुखी थे जो महिषासुर से वो देव हुए प्रसन्न। अद्भुत रचना महामाया की तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
आदिशक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चक्र दिए शिव विष्णु ने किसी ने कमल के हार, अग्नि देव ने दी शक्ति, काल ने दी है तलवार, धनुष बाण तरकस घंटा माँ को है भेंट किए, मधु से भरे हुए दिए पात्र और अद्भुत अस्त्र दिए, अन्य सभी देवों ने मिल देवी को मान दिया, कर अद्भुत शक्ति माँ ने स्वर उच्चारण किया, माँ के भयंकर स्वर नाद से गूंज उठा आकाश, सारी धरा पे मच गई हलचल, सागर गए थे कांप, देख देवता माता को जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदिशक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। के हलचल महिषासुर ने सेना की तैयार, दौड़ पड़ा वह मात और के करने हाहाकार, पास में जाकर उसने देखा माता का प्रकार, मुकुट के आगे छोटा सा था नीला वो आकाश, काप रहे पाताल सभी सुन धनवा की टंकार, सारी सृष्टि रक्षित कर माँ खड़ी थी भुजा पसार, महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर बड़ा बलवान, युद्ध वो करने लगा थमा से महिषासुर ले नाम, अन्य दैत्य भी आदिशक्ति पर तीर चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदिशक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हजारों लाखों में था सेना ले आया, दैत्य विडाल भी अरबों की ले सेना टकराया, और हजारों महादैत्य रथ हाथी थे लाए, महिषासुर अरबों सेना ले युद्ध तुरंत चाहे, तोमर शक्ति खड़ग गदा से माँ पर वार किया, कट गए सारे अस्त्र शस्त्र जब माँ ने वार किया, देव ऋषि महामाया की अब करने लगे जयकार, लाखों हाथों से महामाया करने लगी संघार, सिंह पे बैठी महामाया का क्रोध दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदिशक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। फिर क्रोध
गोद में माँ ने वेग उत्पन्न किया। उपजे माँ के गण लाखों दैत्यों पर वार किया। सिंह क्रोध में असुरों पर फिर करने लगा था वार। युद्ध महोत्सव में थे नगाड़े बजते बारंबार। घंटे के नाद से माने लाखों मार गिराए। महामाया की शक्ति को दानव न समझ पाए। कई दानवों को माता ने टुकड़ों में बांट दिया। कई को तो महामाया ने धड़ से ही काट दिया। हुआ भयंकर वो संग्राम जो तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बहने लगी वहाँ रक्त की नदियाँ, दृश्य भयंकर था। कितने दानव घूम रहे थे, शीश न धड़ पर था। महामाया ने महिषासुर सेना का किया संघार। गगन से पुष्पों की वर्षा, संग हो रही जयकार। लाशों के वहाँ ढेर को माने किया था राख का ढेर। जो भी सुने ये माँ के गाथा पाए सुख बहुते। मुनेंद्र प्रेम जी महामाया के लाल दुलारे हैं। मुझ पर भी माँ कृपा करो, हम तेरे सहारे हैं। संजय माँ देवी की कथा रस पान कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय माता दी। माँ भगवती के पावन पाठ श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कैसे माँ भगवती ने उस दुष्ट महिषासुर का वध किया और उसकी सारी सेना का कैसे नाश किया, आइए सुनते हैं। त्रिनेत्र धारिणी जगदम्बा के कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सेना और महिषासुर के वध के गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जग जननी माँ अम्बे जी को सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ आदि शक्ति जगदम्बा की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषि मृत सेना देख चिक्षुर हुआ हैरान। क्रोध में आकर अम्बे माँ के हरने चला था प्राण। बाण चलाए माँ पर जैसे बरस रहा हो नीर। नष्ट किए सब बाण मात ने हो करके गंभीर। क्रोधित दैत्य ने माता पर था शूल प्रहार किया।
मात भगवती ने उस शूल को पल में ही काट दिया। रथ घोड़े और हाथी सारथी माने मार गिराए, फरसा धनुष नष्ट कर चिक्षुर पर बाण चलाए। उड़ी धज्जियां महिषासुर के आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सेना और महिषासुर के वध के गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऊंचे गगन पे चमक रहा प्रकाश माँ का चमचम, ढोल नगाड़े बाज रहे थे मधुर ताल छन छन। देवताओं का दुष्ट वो चामर आगे बढ़ आया, करने वो प्रहार शक्ति का माता पर धाया। महादेत्य ने माता पर था शूल प्रहार किया, बस हुंकार से माता ने फिर शूल को नष्ट किया। माता का वो वीर सिंह जा गज मस्तक बैठा, खूब लड़ा वह दैत्य से भक्तों मारा और पीटा। अंत किया उस वीर सिंह ने आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सेना और महिषासुर वध की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कराल नाम का महादेत्य माता ने था मारा, ताम्र अंधक को बाणों से माता ने मारा। गदा की चोट से उद्दत कामा ने उद्धार किया, बिंदी पाल से वाष्कल कामा ने संहार किया। किया लखों महादेत्यों का नाश मान तत्काल, योद्धा बड़ा जो जान गवा कर भूपे गिरा विडाल। दुर्धर और दुर्मुख दोनों को भेज दिया यमलोक, महिषासुर के अंतर मन अब पड़ गया गहरा शोक। भैंसे का धर रूप महिषासुर क्रोध बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सेना और महिषासुर के वध की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रूप धरा भैंसे का सुर ने युद्ध किया आरंभ, देवी माँ की सेना में फिर शोभ हुआ प्रारंभ। माँ के गणों पर थुतनों और सींगों से किया प्रहार, कभी वेग से कभी पूंछ से करता चोट अपार। अपने वार से पर्वत उसने फेंके भूसे उखाड़, वेग से पृथ्वी होके व्याकुल करती करुण पुकार। सागर की लहरों से धरा पर आया एक भूचाल, सींगों के वार से बादल का रूप हुआ बदहाल। विशाल श्वास के वेग से पर्वत उड़ उड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सेना और महिषासुर के वध की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी।
वध करने की मंशा ले देवी ने क्रोध किया। पाश फेंक उस महादेत को माने बांध लिया। तभी अचानक भैंसे से बन सिंह रूप आया। उसी रूप में मारने को माता ने हाथ बढ़ाया। तभी खड़कधारी पुरुष बन सामने वो प्रकटा। वीर सिंह भी देख असुर को तुरंत उछल झपटा। माने बाणों की वर्षा कर उसको बींध लिया। तभी असुर महिषासुर ने भी गज का रूप लिया। हुई क्रोधित माँ अम्बे वो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सेना और महिषासुर के वध के गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भांति भैंसा बन करने लगा कोहरा। क्रोध भरी मधुपान मकर के करने लगी संग्राम। उछल के महिषासुर को माने पैरों से दबा लिया। तलवार चला कर सिर उसका फिर धड़ से अलग किया। हुई गगन से पुष्पों की वर्षा होने लगी जयकार। गंधर्व राज माँ के गुण गाए बाज मधुर झनकार। मात चंडिका की ये गाथा जो रस पान करे। मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा माँ का ध्यान धरे। संजय भी महामाया को अब शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सेना और महिषासुर के वध की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय माता दी। भक्तों, माँ भगवती के पावन स्त्रोत्र श्री दुर्गा सप्शती के चौथे अध्याय को आरंभ करते हैं और उस दुष्ट असुर महिषासुर का नाश करके माता ने देवों का मान बढ़ाया और उन सभी देवताओं ने किस तरह से उस कात्यायनी माँ की स्तुति की, आइए सुनते हैं। इंद्रादि देवता आदि शक्ति की स्तुति गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कष्टों को हरने वाली माँ के गुण हम गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जग जननी माँ अम्बे जी को सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ आदि शक्ति जगदम्बा जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिद्धिदात्री के चरणों में देव करे गुणगान। माता के अंगों की आभा काले मेघ समान। शीश पे चंदा की रेखा है शोभा अति प्यारी। चक्र गदा त्रिशूल हाथ में झंख धनुष धारी।
त्रिनेत्र धारिणी जगदम्बा की शोभा कही न जाए। तीनों लोक में तेज मैया का सिंह पे चढ़ के आए। बोले ऋषि भय मुक्त करे माँ सब करते जयकार। शीश झुकाए हाथ जोड़ कहे जय हो मात तुम्हार। सभी देव फिर माँ चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कष्टों को हरने वाली माँ के गुण हम गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महिषासुर को मारने वाली देवी को प्रणाम। हाथ जोड़ माँ करूँ मैं विनती हर लो कष्ट तमाम। तुम ही हो जग की पालन करता तुम ही दुख हरता। तुम ही मधुर और कटु वचन हो सुख दुख हो सबका। तुम पुण्यात्माओं के घर जा लक्ष्मी रूप विराजो। राजाओं के राज महल बन शीश मुकुट साजो। पापियों का नाश करो मां भव से तुम सबको तारो। ज्ञान दे मां सद्पुरुषों को और नैया तुम तारो। माँ देवी की स्तुति करे सब देव मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कष्टों को हरने वाली माँ के गुण हम गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समर्थ नहीं त्रिदेव जो माँ का वर्णन कर पाए। हम तो ठहरे तुच्छ ममानव समझ न हम पाए। पाप नाशनी मात चंडिका नमन है बारंबार। ब्रह्मांड है तेरी रचना तेरा ही आधार। तीनों गुण माँ तेरे अंदर देव न पाए पार। तंत्र मंत्र सब वेद यज्ञ माँ तेरा ही है सार। आप सृष्टि की कर्ता धरता आप करो संघार। आप ही हो माँ ज्ञान स्वरूपा आप ही पालनहार। ऐश्वर्य युक्त माँ की पगरज हम शीश लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कष्टों को हरने वाली माँ के गुण हम गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम हो शारदा मात लक्ष्मी तुम महाकाली हो। तुम एकमात्र स्थान हरि बख्श रहने वाली हो। आपके मुख मुस्कान मधुर मन मेरो मां मोहे। सारी सृष्टि शरण आपके सुमिरे मां तोहे। विकराल रूप में महिषासुर का मां संहार किया। दया आपकी माता मधु के तब उद्धार किया। यमराज रूप धरि दैत्यों का मां नाश करती हो। कल्याणी रूप धरि माता तुम झोली भरती हो। हम परम दयालु माता जी के नित गुण गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
कष्टों को हरने वाली माँ के गुण हम गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो माता तेरा ध्यान धरे तू उसको वर देती, अपने भक्तों के सदा माँ कष्टों को हरती। आपकी दृष्टि मात्र से ही ये असुर भस्म हो जाए, करती अस्त्र प्रयोग कि दानव स्वर्ग लोक जाए। आपकी उत्तम सोच है माँ दया दयालु हो, दुष्टों पर भी महामाया तुम बड़ी कृपालु हो। ऐसी दया ना जग में माँ कहीं और न मिलती है, तीनों लोक और तेरी कृपा से सृष्टि चलती है। सुर नर दैत्य भी माता तेरी दया को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कष्टों को हरने वाली माँ के गुण हम गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पश्चिम उत्तर दक्षिण में रक्षा करना, अपने भक्तों पर माता तुम सदा कृपा करना। बोले ऋषि माँ से देवता करते हैं विनती, पुष्प आदि से पूजन करी तब माता है सुनती। बोली माता क्या चाहते हो देव सभी बोलो, मुँह मांगा वर मैं दूंगी जो लेना है ले लो। महिषासुर माँ मारी आपने इच्छा की पूरी, फिर भी कुछ देना है तो ना तुमसे हो दूरी। कष्ट हरो तुम जग जन के हम ये वर चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कष्टों को हरने वाली माँ के गुण हम गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोले ऋषि वर सभी देवों ने माँ को प्रसन्न किया, वर दे कर देवों को माँ ने खुद को लुप्त किया। हे राजन ये पूर्व काल की मैंने कथा सुनाई, माता गौरा के तन से अब प्रकटेगी महामाई। शुंभ निशुंभ का वध करके माँ फिर उपकार करेगी, सुनो हे राजन महामाया फिर से हुंकार भरेगी। सुने जो माँ की अद्भुत गाथा वो नर सुख पाए, मुनेंद्र प्रेम जी माँ की कृपा से तू ये कलम चलाए। मैं संजय कर जोड़ कथा रस पान कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कष्टों को हरने वाली माँ की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
जय माता दी। भक्तों, आज मैं माँ दुर्गा सप्तशती जी के पाठ के पंचम अध्याय को आरंभ करता हूँ और इस अध्याय में किस तरह से चंड मुंड ने माँ आदि शक्ति के रूप का बखान शुंभ निशुंभ के सामने किया और उन्होंने सुग्रीव दैत्य को दूत बनाकर माता को उनके पास आने का प्रस्ताव भेजा, आइए सुनते हैं। चंड मुंड के वध और माँ का गुण हम गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुग्रीव दैत्य बन दूत मात के पास में जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जग जननी माँ अम्बे जी को सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ आदि शक्ति जगदम्बा जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तुम माँ गौरी तन से ऋषि करे गुणगान, घंटा शंख धनुष बाण धारी मुखड़ा चंद्र समान। बोले मुनि तुम्हें पूर्व काल की कथा सुनाता हूँ, शुंभ निशुंभ दो असुरों की मैं बात बताता हूँ। बल के घमंड में आकर इंद्र से खूब किया संग्राम, इंद्र हरा कर उन दोनों ने छीना धन और मान। तीनों लोकों का राज्य उन्होंने किया अपने अधीन, भगा दिए सब देव स्वर्ग से सिंहासन आसीन। देवों की उस हार का हम तुम्हें सार बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुग्रीव दैत्य बन दूत मात के पास में जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हिमालय देव सभी वह माँ का किया सुमिरन, बोले सब तब देव हे माता तुम्हें है मेरा नमन। हे भद्रा हे शिवा हे माता जग की महारानी, नित्या गौरी धात्री तुम हो माता कल्याणी। चंद्र रूप सुख स्वरूपा तुम सिद्धि रूपा देवी, दुर्गा लक्ष्मी मात शारदे तुम धूम्रा देवी। तुम्ही सौम्य माँ तुम्ही रौद्र माँ कोटिश तुम्हें प्रणाम, जगत की हो आधार भूता करो तेरा गुणगान। बारंबार नमन तुम्हें सब शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुग्रीव दैत्य बन दूत मात के पास में जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चेतना निद्रा रूप में जन जन वास करो, कभी सूर्य बन माँ कण कण में तुम प्रकाश करो। सभी प्राणियों में माँ छाया माया धारी हो, भक्ति शक्ति रिद्धि सिद्धि तुम अवतारी हो। तुम ही जगत में प्रेम घृणा तृष्णा और शांति हो, तुम ही जगत में जाति धर्म माँ तुम ही कांति हो।
लज्जा श्रद्धा पाक चरण में माता तुम्हें नमन। हे वृत्ति रूपा जगदम्बा तुमको है वंदन। देव सभी माँ शक्ति के गुण गाने गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुग्रीव देत बन दूत मात के पास में जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुगंध हो तुम ही माता तुम भंवरा काली, माँ विष अमृत तुम हो तुम श्याम वर्ण लाली। रूप आपका गंगा माँ पापों का नाश करे, रूप आपका दिव्य है ज्योति जन जन वास करे। तुम ही हो चंचल मन की गाथा है माता वरदान, मात पिता ये रूप आपके तुम ही हो भगवान। सुर नर मुनि जन धरे सदा ही माता तेरा ध्यान, तुमसे ही होता है मैया सबका ही कल्याण। मुनि मेधा राजा सुरथ को कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुग्रीव देत बन दूत मात के पास में जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुन सब देवों की वहां गौरा माँ आई, बोली किसके ध्यान मगन तुम प्रकटी कोश की माई। बोली माता शुंभ निशुंभ से हारे सब सुरजन, ले आशा स्तुति सब करते हो कर ध्यान मगन। कोश की माता ने गौरा के तन से लीला ली, पर्वत पर रहने वाली फिर हो गई माँ काली। तभी शुंभ ने शुंभ दूत वहाँ चंड मुंड आए, देख मनोहर रूप मात का दानव हर्षाए। शुंभ ने शुंभ को दोनों मात का हाल बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुग्रीव देत बन दूत मात के पास में जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सुरेश्वर हे सर्वेश्वर दानव बलशाली, अत्यंत मनोहर स्त्री जैसे चंदा की लाली। लाखों स्त्री देखी जग में ऐसी ना कोई, श्री अंगों से दशों दिशाएं प्रकाशित होई। देते राज वह रूपवती है पर्वत पर आसीन, अद्भुत शोभा सुंदरता सब उसके हैं आधीन। सभी रत्न और मणियों में सर्वश्रेष्ठ ये देवी, अनुपम आभा मुखड़े की और श्वेत वर्ण देवी। सुन प्रशंसा दोनों दानव होश गवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुग्रीव देत बन दूत मात के पास में जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान।
शुंभ निशुंभ ने महादेत सुग्रीव को बुलवाया, दूत बना देवी के पास संदेशा भिजवाया। आज्ञा ले उस महादेत ने वहाँ किया प्रस्थान, पहुँच गया जहाँ मनमोहक था माता का स्थान। मधुर वचन वह बोला, माँ से खड़ा था शीश झुकाए, शुंभ निशुंभ सृष्टि के स्वामी उनका संदेशा लाए। सभी देवता उनका ही आदेश मानते हैं, विरोध वो करने का सभी अंजाम जानते हैं। देते राज के ख्याति दूत देवी को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुग्रीव देते बन दूत मात के पास में जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कहे संदेशा आपको जिसे सुनो धर ध्यान, सारी सृष्टि राज्य उन्हीं का सब करते सम्मान। सारे देवता यज्ञ भोग सब रत्न मेरे आधीन, ऐरावत और अश्व रत्न दिए बैठा मंचासीन। गंधर्व देव और नागों में भी वही है बलवान, संसार की सारी स्त्रियों में तुमको माना है महान। हे चंचल सुंदर तन रूपा शुंभ महल जाओ, वन पत्नी उन महाबली के सारे सुख पाओ। बुद्धिहीन सुग्रीव मात को समझ न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुग्रीव देते बन दूत मात के पास में जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। परम सत्य है सत्य वचन तेरे, तीनों लोक के शुंभ है स्वामी जो भगवन तेरे। मेरी भी है एक प्रतिज्ञा सुनो दूत धर ध्यान, मुझे हरा कर वर्ण करे जो ऐसा हो बलवान। शुंभ निशुंभ से जाकर कहना करे आके संग्राम, मुझे हरा कर जीते मुझको ना करे अब विश्राम। सुन के वचन देवी के दूत वो क्रोधित हो आया, कोई टिक नहीं सकता उनके सामने बतलाया। उन जैसा ना कोई जगत में तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुग्रीव देते बन दूत मात के पास में जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देते वो दोनों ही देवों में बड़े महान, तुम एक अबला नारी ना कर सकती हो संग्राम। बोली देवी सत्य वचन हे दूत जाके बतलाओ, करो युद्ध की तैयारी जो उचित हो करवाओ। मेधर्षि ने इस अध्याय में राजा को बतलाया, करो कृपा है मात कोश की संजय दर आया।
माता की ये अनुपम गाथा कष्ट निदान करे। मुनेंद्र प्रेम जी कलम आपकी माँ का ध्यान धरे। संजय प्रेम जी माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सुग्रीव दैत्य बन दूत मात के पास में जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय माता दी। भक्तों, आज हम माँ दुर्गा सप्तशती जी के छठे अध्याय का रसपान करेंगे। इस अध्याय में माँ जगदम्बा ने अपने पराक्रम से, एक हुंकार शब्द से ही धूम्रलोचन और उसकी विशाल सेना का क्षण में नाश कर दिया। कैसे, आइए सुनते हैं। धूम्रलोचन वध की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे को शीश नवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जग जननी माँ अम्बे जी को सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ आदिशक्ति जगदम्बा जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वचन सुन असुर दूत तब बड़ा क्रोध में आया, जाकर अपने स्वामी को सब सच सच बतलाया। कटु सूचना सुन देवी के कुपित हुआ बलवान, बोला दानव किया है देवी ने मेरा अपमान। सेनापति से बोला दानव शीघ्र हिमालय जाओ, उस दुष्टा के केश पकड़ तुम उसे महल ले आओ। शुंभ की आज्ञा धूम्रलोचन ले सेना 60,000, दौड़ा उस पर्वत की ओर जहाँ होती माँ की जयकार। क्या बोला वो धूम्रलोचन ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे को शीश नवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुनिवर हे राजन सुनो कथा धर ध्यान, धूम्रलोचन पापी अज्ञानी क्या जाने सम्मान। बोला दानव माता से तू बात मान मेरी, वरना दंड मिलेगा तुझको क्या इच्छा तेरी। तीनों लोक के वो है स्वामी वो ही है भगवान, क्यों जिद ठाने बैठी है तू सुन नारी अज्ञान। सेना के संग सेनापति देवी को रहा ललकार, क्रोध में आंखें लाल हुई थी युद्ध को था तैयार। क्या बोली फिर आगे माता तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
शक्ति स्वरूपा माम बे को शीश नवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शुंभ की धूम्रलोचन पर्वत पर आए, खुद भी हो बलवान संग ये सेना भी लाए। ना दिखलाओ क्रोध ये अपना, ना हो तुम गुणवान, वरना क्या मैं कर सकती हूँ, नहीं तुम्हें है ज्ञान। इतना सुन वह महादेत ले अपने कर तलवार, आदि शक्ति की ओर वह दौड़ा करने मां परवार। अपनी ओर को आता देख हूँ शब्द ही बोल दिया, हूँ शब्द उच्चारण से ही दैत्य को भस्म किया। अद्भुत माता की ये गाथा पान कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति स्वरूपा माम बे को शीश नवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। लोचन को भस्म देख के सेना चकराई, क्रोध से आंखें लाल हुई माता से टकराई। माता का भी वीर सिंह दैत्यों पर टूट पड़ा, लाखों दानव मार गिराए फाड़ पेट जबड़ा। लाखों की ही भुजा उखाड़े सिर धड़ अलग किए, सिंह गर्जना करके क्षण में दानव कुचल दिए। सिंह ने दानव के तन का रक्त भी चूस लिया, महाबली उस सिंह ने असुरों का संहार किया। धूम्र लोचन वध सुन शुंभ होश गवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति स्वरूपा माम बे को शीश नवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शुंभ ने सारी सेना सिंह ने है मारी, चंड मुंड से बोला सेना ले जाओ भारी। मार के सिंह को उस देवी को बांध के ले आओ, देर करो ना एक पल भी, जल्दी से ले आओ। छठा अध्याय धूम्रलोचन वध पूरा होता है, जो सुमरे नित माता को सुख संपत्ति पाता है। मुनेंद्र प्रेम जी कलम आपकी माँ का ध्यान धरे, संजय प्रेम जी हाथ जोड़ माता के द्वार खड़े। ममता मई हम आदि शक्ति की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शक्ति स्वरूपा माम बे को शीश नवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
जय माता दी। भक्तों, श्री दुर्गा सप्शती स्त्रोत्र के सातवें अध्याय में माँ आदि शक्ति ने काली का रूप धारण किया और चंड मुंड असुरों का शीश माँ चंडिका को उपहार स्वरूप भेंट किया और माँ चंडिका ने माँ काली को चामुंडा नाम से पुरस्कृत किया। जय हो चामुंडा मैया की। हम चंड और मुंड के वध के कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ चामुंडा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जग जननी माँ अम्बे जी को सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ आदिशक्ति जगदम्बा जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रत्न जड़ित सिंहासन पर है बैठी माँ मेरी, श्याम सलोना तन माँ का अति शोभा के घेरी। कमल पुष्प पर पैर रखे माँ अर्ध चंद्र धारे, पुष्पों की माला गले में कर शंख पात्र न्यारे। लाल रंग की साड़ी तन पर शोभा अति पाए, देख के चेहरे की रौनक तो कामदेव शर्माए। तीन नेत्र माँ के मुखमंडल ओठन पर लाली, पूरे तन पर मधु के कारण मनशा मतवाली। चंड मुंडले सेना युद्ध को सज कर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ चामुंडा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। की आज्ञा ले वो दोनों पर्वत पर आए, युद्ध की मन में मंशा ले माता के दर्शन पाए। चंड मुंड को देख के माता मंद मंद मुस्काई, क्या जाने वो दानव ये जगत की है महामाए। देते सभी माता को बंधक करने को व्याकुल, अस्त्र शस्त्र ताने खड़े सारे ही दानव कुल। दानव सेना देख क्रोध से मुखड़ा हो गया लाल, काली माता प्रकट हुई नर मुंडों की गले में माल। रूप भयंकर माता का हम तुम्हें दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ चामुंडा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है तलवार पाश विचित्र खड़ग धारे, हड्डियों के थे बने आभूषण सोहे तन न्यारे। खून की प्यासी मात कालिका जीभ लपा लप लप के, नैनों की पुतली धसी हुई भयंकर स्वर गरजे। सारी दिशाएं कांप उठी थी देख मात का क्रोध, मौत खड़ी थी सबके सन्मुख हो गया सबको बोध।
टूट पड़ी माँ दानव दल पर बन के सबका काल। भक्षण करती खून चूस कर जिह्वा हुई थी लाल। महाविनाशक रूप मात का तुम्हें दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ चामुंडा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता ने लाखों ही दानव पीस दांत डाले, हाथी घोड़े रथी सारथी बने हैं माँ के निवाले। देख दशा सेना की चंड बड़ा हुआ हैरान, कर बाणों की वर्षा माँ पर दी अपनी पहचान। देख चंडिका चंड की गलती क्रोध से हुई अंगार, दौड़ पड़ी वह वध करने को लेकर के तलवार। हुंका उच्चारण कर माने चंड को पकड़ लिया, केश पकड़ तलवार से माने शीश को काट दिया। हुआ चंड का वध मुंड का भी बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ चामुंडा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मरा चंड को देख मुंड भी माँ की ओर आया, आके रोश में मुंड को माँ ने पल में मार गिराया। बाकी सेना देख मात को थी भयभीत हुई, जान बचा कर सारी सेना वहां से भाग गई। ले चंड मुंड के शीश चंडिका को उपहार दिया, सारा जग जाने चामुंडा माँ ने वरदान दिया। शुंभ निशुंभ का वध है माता स्वयं आप करना, जो भी सुने ये कथा आपकी झोली माँ भरना। मुनेंद्र प्रेम जी माँ चरणों में कलम चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ चामुंडा के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय माता दी। माँ आदि शक्ति के पावन स्तोत्र श्री दुर्गा सप्शती के 8वें अध्याय में रक्त बीज ने सभी देवताओं को कैसे डरा दिया और माँ की सभी शक्तियों ने मिलकर कैसे उस असुर राज की ताड़ना की, आइए सुनते हैं। रक्त बीज वध की भक्तों हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति जगदम्बा जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जग जननी माँ अम्बे जी को हम सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ आदि शक्ति जगदम्बा जी की गाथा गाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहमान का वरदान। लाल रंग है माँ के तन का, नेत्रों में करुणा। धनुष बाण कर में अति सोहे, अद्भुत लागे माँ। ऋषि बोले हे राजन गाथा सुनो लगा कर ध्यान। चंड मुंड और सेना के माने हरे थे प्राण। चंड मुंड के बाद तो भक्तों शुंभ हुआ हैरान। बोला तब दैत्यों से सभी चलो युद्ध मैदान। सेनापति महादैत्य उदायुध अपने पास बुलाया। कर तैयार अब युद्ध को सेना, फिर फरमान सुनाया। युद्ध की सारी तैयारी अब तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति जगदम्बा की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहमा का वरदान। 50 कोटि सौ धूम्र कुल के सेनापति आए। कालिक मौर्य दोहर्द काल के शक्ति माँ को दिखाए। आदेश देकर असुर राज फिर खुद तैयार हुआ। सहस्त्रों ही बलवान ले दानव फिर प्रस्थान किया। देख चंडिका ने सेना को धनु टंकार सुनाई। गूंज गई ध्वनि सारी सृष्टि सुन सेना चकराई। सिंह दहाड़ा जोर जोर घंटे का नाद हुआ। दैत्यों ने माँ चंडी को संग सेना घेर लिया। माता की अद्भुत गाथा हम तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति माँ जगदम्बा के गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषि तब सभी देवता थे शक्ति संपन्न। ब्रह्मा विष्णु शिव के तन से शक्ति हुई उत्पन्न। कार्तिकेय और इंद्र ने शक्ति का फिर दान किया। जिसका जैसा रूप वही शक्ति ने रूप लिया। सबसे पहले आई ब्रह्माणी हंस पे हो आसीन। हाथ कमंडल अक्ष सूत्र और दया भाव में लीन। शिव की शक्ति बैल सवार त्रिशूल हाथ धारे। मस्तक पर था चंद्र सुशोभित कंकण करकारे। देवताओं की शक्ति उन्हीं के रूप बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति जगदम्बा जी के गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहमा का वरदान। गरुड़ विराजी विष्णु शक्ति गदा चक्रधारी।
ऐरावत पर बैठी इंद्र की हाथ वज्रधारी। सभी देवों की सभी शक्तियां हुई वहां उत्पन्न। बोले चंडिका से शंभु करो युद्ध प्रारंभ। सुन देवी ने शिव की वाणी रखा भयानक रूप। ध्वनि डरा मन की माता ने ज्योति काल स्वरूप। माता ने शिव शंभु को फिर अपना दूत बनाया। शुंभ निशुंभ स्वर्ग को छोड़े शिव को समझाया। शिव शक्ति का नाम पढ़ा शिव दूती कहाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं आदि शक्ति जगदम्बा जी के गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं के वचनों को सुन शिव हुए क्रोध से लाल। देने सूचना दैत्यों को तब चले मेरे महाकाल। क्रोधी दानव कर रहे थे माँ देवी परवार। नष्ट किए सब वार मात ने मच गया हाहाकार। ब्रह्माणी माँ जल छिड़क कर करती शत्रु नाश। इंद्राणी ने दैत्यों का फिर किया वज्र से नाश। विष्णु महेश आदि शक्तियां करे दैत्य संहार। कटे मुंड दैत्यों के धड़ से बहे रक्त की धार। शिव दूती के वार से दानव बचना पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं आदि शक्ति जगदम्बा जी की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं कर देत्यों की फिर रक्त बीज आया। इंद्राणी से करने युद्ध वो अस्त्र लेके धाया। वज्र से घायल रक्त बीज का बहने लगा था रक्त। बूंद बूंद से प्रकटा दानव लेके अस्त्र और शस्त्र। जब जब बूंदे गिरे धरा पर दानव हो तैयार। सभी ही दानव अस्त्र शस्त्र लेकर ते हाहाकार। रक्त बीज को देख देवता होने लगे मायूस। चंडी माँ ने कहा काली से तुम फैलाओ मुख। माँ काली के मुख में सभी दैत्य समाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं आदि शक्ति जगदम्बा जी के गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं भी शक्तियां मिलजुल कर तब करने लगी थी वार। आदि शक्ति महामाया ने किया रक्त बीज संहार। दैत्यों का वध देख देवता करने लगे जयकार। माताओं पर हुई गगन से पुष्प वर्षा अपार। दुर्गा सप्तशती का अष्टम भाग हुआ संपन्न। रण में दैत्यों की हालत देख सभी हुए प्रसन्न।
अमृत गाथा आदि शक्ति के संजय गाते हैं। मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाते हैं। हम दोनों ही माता को नित शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आदि शक्ति जगदम्बा जी के गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। जय माता दी। माँ के प्यारे भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के पावन स्तोत्र के 9वें अध्याय में प्रलयकारी निशुंभ ने किस तरह से हाहाकार मचाया और माँ दुर्गा ने उसका किस तरह से वध किया और सभी देवताओं को कैसे प्रसन्न किया, आइए सुनते हैं। निशुंभ वध की भक्तों तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महामाया के क्रोध की ज्वाला तुम्हें दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जग जननी माँ अम्बे जी को सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ आदि शक्ति जगदम्बा जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अंकुश पाश मात कर साजे अक्षर मालधारी, अर्ध चंद्र आभूषण तन पर लागे माँ प्यारे। बोले राजन हे मुनिवर अद्भुत कथा सुनाई, धन्य हुआ सुन माँ की महिमा जो आपने बतलाई। रक्त बीज वध बाद हुआ जो मुझको बतलाओ, शुंभ निशुंभ के क्रोध का वर्णन मुझको समझाओ। बोले मुनि वो महादेते फिर हुए बड़े हैरान, रक्त बीज वध देख मात के हरने चले वो प्राण। भारी भरकम सेना ले वो कदम बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महामाया के क्रोध की ज्वाला तुम्हें दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पहुँच गए महादेते वहाँ जहाँ करती माँ विश्राम, शुंभ निशुंभ से माता का फिर छिड़ा महासंग्राम। माता के ऊपर दोनों ने लाखों बाण चलाए, काट दिए सब बाण, मात ने उनको बाण चुभाए। निशुंभ ने तलवार ले सिंह के सिर पर वार किया, माता ने फिर क्रोध में आ तलवार को काट दिया। आठ चांद से जड़ी ढाल के कई खंड किए, शक्ति से भी देत्यों ने माँ पर कई वार किए। बाण मैया के दानव दल को मार गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महामाया के क्रोध की ज्वाला तुम्हें दिखाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोहम्मा का वरदान। देख के शुंभ निशुंभ को घायल हुआ बड़ा हैरान, भर के क्रोध में शुंभ मात के हरने चला था प्राण। उसे देख आता माता ने अपना शंख बजाया, घंटे की नाद से देत्यों का था माँ ने दिल दहलाया। सिंह की दहाड़ से धरा और अंबर गूंज उठे, कई हजारों देत्यों के थे कान के पर्दे फटे। सुन के सिंह की दहाड़ शुंभ को और भी क्रोध हुआ, शक्ति का फिर वार शुंभ ने माता पर है किया। शुंभ के सारे वार मात पर चल नहीं पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महामाया के क्रोध की ज्वाला तुम्हें दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता दुष्ट शुंभ तेरा अब होगा संघार, सुनकर देवों ने अंबर से माँ की जय जयकार। हे राजन फिर शुंभ नाद से सृष्टि गूंज उठी, क्रोध में आकर मात चंडिका लेकर शूल उठी। लगा शूल वो शुंभ के जाकर वो धरती पे गिरा, माँ के आगे धूल चाटने दानव आज लगा। तभी निशुंभ को आई चेतना करने लगा वो वार, करके घायल माँ के शेर को कर दिया हाहाकार। तभी निशुंभ चंडिका माँ पर बाण चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महामाया के क्रोध की ज्वाला तुम्हें दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विशाल धर निशुंभ ने बाणों से वार किया, दुख हरता महामाया ने बाणों को काट दिया। शूल से माता चंडी ने फिर उस पर वार किया, शूल से दानव सीने में माता ने छेद किया। घायल सीने से तभी एक देते हुआ उत्पन्न, बोला माँ से अनुचित भाषा माता हुई अप्रसन्न। तभी मात ने उसका मस्तक तुरंत ही काट दिया, देकर मौत का पुरस्कार धरती पर सुला दिया। रूप भयंकर सिंह का अब हम तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महामाया के क्रोध की ज्वाला तुम्हें दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। महामाया ने दैत्य निशुंभ का फिर संहार किया,
सिंह ने भी कई देत्यों को अपना फिर ग्रास किया। कौमारी ब्रह्माणी ने कई दानव मार दिए। इंद्राणी ने भी देत्यों के प्राण हरण किए। कुछ दानव इस महायुद्ध से भागे बचा के जान। कुछ देत्यों ने माँ के हाथ गवाए अपने प्राण। दुर्गा सप्तशती का नौवां भाग हुआ संपन्न। मात कृपा रहे सदा ये संजय रहे प्रसन्न। मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महामाया के क्रोध की ज्वाला तुम्हें दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। जय माता दी। भक्तों, अब श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय में वो शुंभ जो अपने अहंकार के मद में देवताओं पर राज करने के लिए और जगत जननी माँ जगदम्बा को मारने की इच्छा से युद्ध में अपार शक्ति का प्रदर्शन करता है और उसके इस अहंकार को माँ कात्यायनी कैसे विध्वंस करती है, आइए सुनते हैं। शुंभ के वध की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ कृपा दायिनी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जग जननी माँ अम्बे जी को सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ आदिशक्ति जगदम्बा जी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। बोले ऋषि हे राजन, पहले माँ को शीश झुकाओ, उसके बाद माँ की गाथा पर मन और ध्यान लगाओ। देख निशुंभ की मौत, शुंभ हुआ बड़ा हैरान। जान से प्यारा भाई गवा कर हुआ शुंभ वीरान। बोला शुंभ हे दुष्ट दुर्गे, ना कर तू अभिमान। कई शक्तियों के बल पर तू बनती बड़ी महान। बोली माँ ये सभी शक्तियाँ मेरा ही है रूप। तुझ में भी तो मैं रहती हूँ, सृष्टि मेरा स्वरूप। ऋषिवर माता की गाथा को आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ कृपा दायिनी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दानवों के सन्मुख चिढ़ गया था फिर संग्राम। शूल खड़ग पकड़े महामाया, खींचे तीर कमान। दिव्य अस्त्र आदि शक्ति ने शुंभे चलाए। शुंभ ने दिव्य अस्त्रों से सारे काट गिराए। तभी शुंभ ने माता पर दिव्य अस्त्र चलाया।
माता ने हुंकार से शस्त्र को नष्ट कराया। क्रोध में आकर धनुष शुंभ का माने काट दिया। कट जाने पर धनुष शुंभ ने शक्ति को हाथ लिया। तभी मात के चक्र से शुंभ शक्ति गवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ कृपा दायिनी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ले तलवार हाथ में शुंभ ने धावा बोल दिया। मात चंडिका ने तलवार को क्षण में काट दिया। दैत्यों के घोड़े और सारथी माने मार दिए। शुंभ के मुकदर माता ने बाणों से नष्ट किए। शुंभ ने मुक्का माता की छाती पर मार दिया। माँ ने भी जड़ शुंभ के थप्पड़ भू पर गिरा दिया। उठा वो फिर से दुष्ट आत्मा लड़ने को तैयार। माता भी तैयार खड़ी थी करने को संघार। गगन बीच मुनि देते देवी का युद्ध बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ कृपा दायिनी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बहुत देर तक हुआ दैत्य से माता का संग्राम। उठा के दैत्य को पटका धरती पर किया थोड़ा आराम। उठकर फिर से शुंभ चला माता के हरने प्राण। किया वार त्रिशूल से माने ले ली उसकी जान। तभी अचानक दीप समूह पर्वत भी कांप उठे। अंबर से सुर मुनियों के जयकारे गूंज उठे। सब कुछ ही अब शांत हुआ था बही मधुर धारा। सब देवों ने माँ को नमन कर बोला जयकारा। महामाया पर देव सभी फिर फूल बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ कृपा दायिनी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गदगद हुए गंधर्व सभी फिर लगे गीत गाने। कुछ गंधर्व झूम झूम के लागे ढोल बजाने। वायु सूर्य देवता फिर लगे करने शुभ काम। सारी दिशाएं होके मगन करती माँ का गुणगान। बोले मुनिवर ये गाथा अति मंगलकारी है। सुख संपत्ति पाए जो सुनते नर नारी है। पावन कथा का दसवां भाग हुआ है अब संपन्न। मुनेंद्र प्रेम जी कलम चलाए करी माता को वंदन। संजय गुलाटी माता की गाथा को गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ कृपा दायिनी के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी।
जय माता दी। माँ के प्यारे भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं द्वारा की गई स्तुति से माँ आदि शक्ति प्रसन्न होती है और देवताओं को संसार का उपकारक वर देती है और साथ ही साथ आने वाले युगों में संसार और देवताओं की रक्षा के लिए कौन कौन से माँ अवतार लेती है और कैसे कैसे असुरों का माँ आदि शक्ति नाश करती है, आइए सुनते हैं। हम भुवनेश्वरी माँ की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सभी देवता आदि शक्ति की स्तुति गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, देवी से वर पाके देवता खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सभी देवता आदि शक्ति की स्तुति गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। करके नमन माँ आदि शक्ति को प्रेम जी कलम चलाए, माँ के कर कमलों में अस्त्र शोभा अति पाए, बोले मुनि श्री दुर्गा कथा को आगे बढ़ाते हैं, युद्ध बाद सब देव मात की स्तुति गाते हैं, बोले देव हे आदि शक्ति माँ दुख हरता हो तुम, शरणागत के कष्ट हरो माँ सुख करता हो तुम, हो जाओ प्रसन्न हे माता महामाया कल्याणी, जगत की हो आधार तुम्हें माँ मेरी कात्यायनी, बारंबार देव सभी फिर शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सभी देवता आदि शक्ति की स्तुति गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। सागर नदियां झरने सरोवर अंग आपके हैं, वन उपवन ये गंद पुष्प मा रंग आपके हैं, जल थल नभ ये सभी शक्तियाँ आपसे प्रकटी हैं, ज्ञान कला संगीत राग मा आपसे प्रकटी हैं, वर्ण शब्द ये सारी ध्वनियाँ आपसे जग पाए, जो आए तन मन से शरण वो जन भव तर जाए, समर्थ नहीं हूँ आपकी स्तुति जो मैं कर पाऊँ, संपूर्ण गुणों की स्वामिनी माँ मैं कोटि शीश झुकाऊँ, माँ चरणों में सुमन चढ़ा जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सभी देवता आदि शक्ति की स्तुति गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। शिवा नारायणी ब्रह्माणी तुम ही हो रूप अनेक, हम सब देवों की माँ ममता तुम आधार अनेक, शीश झुका कर बारंबार नमन मैं करता हूँ, गदा चक्रधारी है माता नमन मैं करता हूँ, ब्रह्माणी है रूप आपका हंस सिंहासन है, शिवा नारायणी रूप में माँ जलवा आपका है,
दीन दुखी शरणागत की तुम रक्षा करती हो। निर्धन के घर खाली तुम भंडार को भरती हो। आदिशक्ति महामाया का सब गाने ही गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सभी देवता आदिशक्ति की स्तुति गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। शुंभ निशुंभ दानव माता अपने है मारे, चंड मुंड और रक्त बीज माँ आपने संघारे। महिषासुर मर्दनी माँ तुम सिर पर हाथ धरो, शरणागत हूँ मैं आपका माँ कल्याण करो। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी सर्व शक्ति रूपा, मेधा शारद वरा तुम्ही हो तुम्ही छाव धूपा। अस्त्र शस्त्र धारी है शक्ति सुन लो करुण पुकार, शरण आपकी पड़ा मैं माता विनती बारंबार। प्रेम सहित हम देव सभी तुम शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सभी देवता आदिशक्ति की स्तुति गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। हो जाओ प्रसन्न है माता हमको दो वरदान। हुई भूल को क्षमा म करना जान हमें अज्ञान। प्रसन्न हुई माँ देवी बोली मैं तो हूँ तैयार। ऐसा वर मांगो हितकारी सुखी रहे संसार। बोले देव हे आदिशक्ति करो सबका कल्याण। तीनों लोक की हरो मबाधा तुमको है प्रणाम। बोली माता शुंभ निशुंभ फिर होंगे उत्पन्न, मात यशोदा के गर्भ से लूंगी फिर मैं जन्म। युग 28 में दैत्यों का नाश बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सभी देवता आदिशक्ति की स्तुति गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। प्रचित असुरों का मैं करूंगी फिर संहार, भक्षण करूंगी दैत्यों का मैं लेकर फिर अवतार। उनके रक्त से दंत हमारे हो जाएंगे लाल, रक्त दंत का नाम से त्रिभुवन जपेगा मेरी माल। पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा ना होगी, आयो निजाधर रूप धरा पर संकट हर लूंगी। धरा पे मुनियों को देखेंगे 100-100 नैनन से, शताक्षी नाम से सेवेंगे सब अपने ही मन से। माँ के मुख से निकली वाणी वेद बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सभी देवता आदिशक्ति के स्तुति गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान।
तन से शाखों के द्वारा ही होगा भरण पोषण, सारी सृष्टि पर जीवन का होगा फिर रोपण। सभी धरा पर शाकंभरी के नाम से जानेंगे, दुर्गम दानवों का वध कर सब दुर्गा मानेंगे। धरूंगी भू पर भीम रूप मुनि रक्षा करने को, भीमा देवी नाम से स्तुतिमान करेंगे वो। भ्रामरी भीक रूप हमारा होगा फिर उत्पन्न, दुर्गा सप्तशती का ग्यारवां भाग हुआ संपन्न। मुनेन्द्र प्रेम जी लिखे और संजय गा के सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सभी देवता आदि शक्ति की स्तुति गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। जय माता दी। माँ के प्यारे भक्तों, पावन स्तोत्र श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में माँ आदि शक्ति स्वयं देवताओं से कहती है कि जो भी जन इस पावन स्तोत्र को श्रद्धा पूर्वक सुनेगा और पढ़ेगा, उसके घर में सुख संपत्ति का सदा वास रहेगा और उसके सभी दुख कलेश सभी विपत्तियों को मैं तक्षण हर लूंगी। आइए सुनते हैं माँ के कहे गए अनमोल वचन। हम आदि शक्ति महामाया के कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सिंह सवारी करने वाले के गुण गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जग जननी महामाया को हम सभी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ कृपा दायिनी जगदम्बा की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा सवारी करके मैया अद्भुत है लागे, चक्र गदा तलवार ढाल माँ के कर में साजे, धनुष बाण और पाश तर्जनी अपने हाथ लिए, श्री तन अग्नि माँ के सिर पर चंदा वास किए। बोले ऋषि हे राजन, माँ कैसे कल्याण करेगी, खुद बतलाया माँ ने जो खाली झोली को भरेगी, शांत भाव से निश दिन जो भी स्तुति मेरी करेगा, कष्ट नष्ट हो जाएंगे खुशियों से झोली भरेगा। माता के मुख की रसवाणी तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सिंह सवारी करने वाले के गुण गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा मधु के टब महिषासुर वध की कथा जो ध्यान धरे, शुंभ निशुंभ संहार कथा जो भी रसपान करे,
अष्टमी चतुर्दशी नवमी जो करे कथा रसपान, पाप लगे ना जाए संपत्ति घटे कभी ना मान। अस्त्र शस्त्र डाकू चोरों से ना भय फिर रहता, सद्बुद्धि मिलती है उसको ना अनुचित कहता। विधि पूर्वक जिस मंदिर में हो मेरा ये गुणगान, आना जाना मेरा रहता जहाँ मिलता सम्मान। आगे भक्तों माँ की महिमा आज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सिंह सवारी करने वाले के गुण गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। शरद काल में जो भी मेरा करेगा मह उपवास, धन संपत्ति पुत्र मैं दूंगी कष्ट करूंगी नाश। उस अवसर पर मेरी महिमा सुने जो भी धर ध्यान, हो जाएगा निर्भय वह फिर निर्बल भी इंसान। मेरी महिमा सुनने से दुश्मन का होता नाश, उसका कुल आनंदित रहता पूरी होती आस। भूत पिशाच भी नष्ट है होते कथा के सुनने से, शुभ होते हैं ग्रह नक्षत्र कथा के पढ़ने से। माता के पूजन की विधि तो वेद बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सिंह सवारी करने वाले के गुण गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। मेरा सुमिरन करने से संकट कट जाएंगे, रोग दोष भी उसके पास न कभी भी आएंगे। कोई भयंकर जीव और जंतु न उसके पास आएगा, सिंह गजाना सर्प विषैला कुछ भी कर पाएगा। जिस घर में भी मेरे नाम का होगा नित गुणगान, उस घर में मैं रहूं सदा चेहरों पर बन मुस्कान। उस घर दुख ना आएंगे जो रखेंगे मुझ पर आस, कल्याण करूंगी भक्तों का देती हूँ मैं विश्वास। ममतामयी हो दयामयी ये सब बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सिंह सवारी करने वाले के गुण गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। बोले ऋषि है राजन वैश्य सुनो कथा धर ध्यान, इतना कहमा आदि शक्ति फिर हो गई अंतर ध्यान। निर्भय हो फिर देव सभी ले यज्ञों का आनंद, खिल गए फिर से फूल चमन में बनने लगा मकरंद। ऐसे ही कई बार धरा पर आई महामाया, करके सफाया दैत्यों का यमलोक है पहुँचाया। आदिशक्ति ही तीनों देवों को देती है आदेश, तभी धरा पर नारायण है आते धर धर भेष।
पा जाते सुख संपत्ति जो माँ के गुण गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिंह सवारी करने वाले के गुण गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। महाप्रलय के समय ही माता करती है संहार, सृष्टि रचना करके हम पर करती है उपकार। आदि भवानी की लीला कोई समझ न पाया है, जिसने जो भी मांगा वो माँ से ही पाया है। बोले मुनि है राजन, माँ की ये कथा है बड़ी महान, जो जन ध्याता तन मन से उसका होता कल्याण। दुर्गा सप्तशती का बारवां भाग हुआ संपन्न, संजय बेटा माँ चरणों में रहता सदा ही प्रसन्न। मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर मात को कलम चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिंह सवारी करने वाले के गुण गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। जय माता दी। माँ के प्यारे भक्तों, श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने माँ कात्यायनी देवी की उपासना की और माँ भगवती ने उन दोनों को अभिलाषित वर देकर कैसे उनकी इच्छा पूर्ति की, आइए सुनते हैं। हम शिवा शक्ति महामाया की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर सुरथ वैश्य ने कैसे पाया ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आदिशक्ति जगदम्बे जी को सबे मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सबको वर देने वाली माँ की महिमा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। जय अम्बे ब्रह्माणी दुर्गे शारदा काली हो, तुम लक्ष्मी गौरा माता माँ शेरा वाली हो। कई हजारों नेत्र आपके, कई हजारों हाथ, पुत्र आपका आप शरण माँ सिर पर रख दो हाथ। बोले ऋषि है राजन, मैंने माँ का गान किया, आदिशक्ति की गाथा का तुमने रस पान किया। हम तुम माँ की इच्छा से ही भू पर है जन्मे, उन्हें की इच्छा से प्राण हम सबके हैं तन में। सुमति कुमति सब माँ के रूप ये मुनि बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर सुरत वैश्य ने कैसे पाया ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान।
सीता का महाव्रत करने से नर पाता है वरदान, भोग मोक्ष तथा स्वर्ग लोक माँ करती है प्रदान। मेधर्षि के मुख से सुन राजा ने मधुवाणी, माँ का महाव्रत करने की उन दोनों ने ठानी। राजा सुरथ और वैश्य मुनि को किया नमन कई बार, मुनि से आज्ञा चले ले दोनों करी माँ की जयकार। नदी के तट पर जा दोनों ने किया वही विश्राम, मिट्टी की मूरत बना फिर जपा मात का नाम। आदिशक्ति की स्तुति में दोनों रम जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर सुरत वैश्य ने कैसे पाया ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। पुष्प धूप और हवन आदि फिर माँ को भेंट किया, धीरे धीरे अन्न त्याग माँ का गुणगान किया। 3 वर्ष तक माता को है दिया रक्त का दान, प्रकट हुई माता खुश होकर देने को वरदान। बोली माता आदिशक्ति हम तुमसे हुए प्रसन्न, क्या चाहते हो तुम दोनों बोलो होकर खुश मन। कहने लगे तब मार्कंडे जी राजा सोच विचार, नमन तुम्हें है आदिशक्ति माँ मेरा बारंबार। राजा वैश्य ने क्या मांगा वो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर सुरत वैश्य ने कैसे पाया ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। दूजे जन्म में हे माता मुझे ऐसा राज्य मिले, कभी न होवे नष्ट जो मैया ऐसा फूल खिले। इस जन्म का राज्य मैं अपने दुष्टों से ले लूं, इतना बल दे दो मुझको मैं हाथ जोड़ कहूं। वैश्य तो इस झूठे जग से था दुखी और निर्बल, किंतु बड़ा ही बुद्धिमान था ना मांगा था बल। वह तो माँ से बोला माता इतना करो उपकार, ममता और अहम नाश का दे दो मुझे उपहार। दोनों ही माँ आदिशक्ति से वर पा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर सुरत वैश्य ने कैसे पाया ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। बोली माता हे राजन तुम्हें राज्य प्राप्त होगा, सूर्य अंश से दूजा जन्म और नाम मनु होगा। वैश्य को माने ज्ञान मोक्ष दे ये उपकार किया, दोनों को वर दे माता ने फिर प्रस्थान किया। अमृत रूपी ये गाथा जो भी रसपान करे,
आदि भवानी भक्तों का सदा कल्याण करे। दुर्गा सप्तशती की गाथा भक्तों पूर्ण हुए। संजय बच्चे ने गाकर माँ की गाथा है कही। मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वरसुरत वैश्य ने कैसे पाया ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, किस कथा की है।